हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और पैराग्राफ मैं आपके साथ में लेकर के आ गई हूँ आपके सामने, जिसको मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो इस पैराग्राफ से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और आज से जो है मैं एक नई एक्टिविटी शुरू कर रही हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर, इसी वीडियो के साथ में उसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको कैसी लगी है मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर ये चीज़ बताइएगा। उस एक्टिविटी को मैं आपको एंड में जो है बताती हूँ कि वो क्या एक्टिविटी है। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उससे हमारी इंग्लिश 100% में बोलती हूँ कि हाँ, हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने छोटे छोटे से पैराग्राफ्स लेकर के आती हूँ, जिनमें हमें थोड़ा सा मोरल भी मिलता है और हमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग हो रही है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की, हम इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, समझना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत लंबा पढ़ेंगे तो हमें वो याद नहीं रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। वन डे एन ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द सन। वन डे यानी कि एक दिन, एन ओल्ड लेडी, एन हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ओल्ड जो है वो ओ आ रहा है। जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जब वो वॉवल से शुरू होते हैं, वॉवल्स हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उनके आगे हमें एन यूज़ करना होता है। सो एक ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठी हुई थी, इन द सन। सन मीन्स क्या होता है, वैसे सूरज होता है, पर अगर हमें किसी को बोलना है कि वो धूप में बैठा हुआ है, वो सन में बैठा हुआ है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सन। तो एन ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द सन, एक जो बूढ़ी औरत थी, एक दिन एक बूढ़ी औरत धूप में बैठी हुई थी। ठीक है, वॉज है यहाँ पर, तो ये हमारा टेंस किस में हो गया, ये हमारा टेंस पास्ट टेंस के अंदर हो गया। वॉज है ना यहाँ पर, तो ये पास्ट टेंस के अंदर गया। शी वॉज मेकिंग सम पिकल। शी वॉज यानी कि वह बनाना, मेकिंग मीन्स क्या होता है, बनाना थी, बना रही थी। वॉज सम पिकल, वो कुछ पिकल बना रही थी। शी वॉज मेकिंग सम पिकल, वह कुछ पिकल बना रही थी। पिकल मीन्स क्या होता है, पिकल मीन्स होता है अचार। ठीक है, अचार जो हम खाते हैं, आम का अचार, बहुत सारे अचार हम खाते हैं ना, सो वो जो है अचार बना रही थी। अनदर लेडी वॉज वॉचिंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अनदर, अनदर मीन्स क्या होता है, अनदर मीन्स होता है कोई और या कोई दूसरा। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड को हमें याद नहीं करना है, हमें ये याद रखना है कि किस सेंटेंस के साथ में हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जिस मीनिंग को हम सोचते हैं ना कि इसका सेम एग्जैक्ट यही मीनिंग है, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, हम उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अनदर लेडी यानी कि दूसरी जो औरत थी, वॉज वॉचिंग, वॉचिंग मीन्स क्या होता है, देखना या देख रही थी। वॉज है ना यहाँ पर, तो देख रही थी, ये जो हमारा टेंस है ये किसके अंदर है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अनदर लेडी वॉज वॉचिंग हर, दूसरी जो औरत थी उसको देख रही थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग मीन्स क्या होता है, वैसे तो लॉन्ग मीन्स हम बोलते हैं लंबा। ठीक है, बट जब हम लॉन्ग के साथ में टाइम जोड़ देते हैं, लॉन्ग टाइम, तो वो हो जाता है बहुत देर से या बहुत समय से, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत लंबे समय से। ठीक है, जो दूसरी औरत थी वो उस औरत को देख रही थी बहुत देर से या बहुत लंबे समय से। कम अप टू हर, और वो उसके पास आई। कम अप टू हर, वो उसके पास आई। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आस्क मीन्स होता है पूछा, पूछना। ठीक है, और आस्क्ड अगर हो गया यानी कि उसने उससे पूछा था पास्ट में। शी आस्क हर पोलाइटली, पोलाइटली मीन्स होता है नम्रतापूर्वक। जब भी हम किसी के साथ में बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बात करते हैं ना, जैसे कि हम इसको हम पोलाइटली वर्ड को अगर हम समझना चाहें, तो हम छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके साथ में हम हमेशा पोलाइटली बात करते हैं। देखा है आपने इस चीज़ को, नोटिस किया होगा। तो पोलाइटली का मीन्स हो गया बहुत ही प्यार से, बहुत ही नम्रतापूर्वक, बहुत आराम से जब हम बात करते हैं तो हम पोलाइट का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू मेक दिस पिगल। हाउ मीन्स कैसे, हाउ मतलब क्या होता है, हाउ मतलब होता है कैसे। डू यू मेक, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। दीज मतलब इन पिकल्स को, इन पिकल्स को आप कैसे बनाते हैं। मैडम, मैडम यानी कि उन लेडी जो थी, वो जो ओल्ड लेडी थी, उनसे पूछा कि मैडम आप इन पिकल्स को कैसे बनाती हैं। ठीक है, द ओल्ड लेडी सेड, जो वो जो बूढ़ी औरत थी उनने कहा। यहाँ पर है सेड, यहाँ पे से नहीं है, अगर से होता तो कहना होता, सेड, क्योंकि ये हमारा सेड है पास्ट टेंस के अंदर आ रहा है। द ओल्ड लेडी सेड, ओल्ड लेडी जो थी उन्होंने कहा, ब्रिंग मैंगोज स्पाइसेस एंड सम ऑयल।
ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स क्या होता है लाना, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, यानी कि लेकर आओ पहले क्या, मैंगोज यानी कि आम, स्पाइसेस मसाले एंड सम ऑयल। फर्स्ट पहले कुछ मैंगो मसाले और ऑयल लेकर आओ, देन यानी कि तब, देन मीन्स क्या होता है तब। हम इस सेंटेंस के अंदर फर्स्ट को पहले क्यों यूज़ करें, क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट का मतलब ही होता है पहला, ठीक है। फर्स्ट मीन्स क्या होता है पहला, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट को, पहले जाकर के लेकर के आओ सम मसाले, सम और मैंगोज एंड सम ऑयल, देन आई विल शो यू हाउ टू मेक पिकल्स। देन मीन्स तब, आई विल शो यू, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी या मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो देख करके ही सीखने वाली है ना, तो वो क्या बोल रही है, देन आई विल शो यू, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी, शो मीन्स होता है दिखाना, देन आई विल शो यू हाउ टू मेक पिकल्स। हाउ टू मीन्स कैसे बनाते हैं, मेक, मेक मीन्स बनाते हैं, पिकल मीन्स अचार, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगी या दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं अचार। You cannot learn these things. You cannot, cannot का मतलब कहता है नहीं सीख सकते, learn means होता है सीखना, किसी भी चीज़ को हम जब सीखते हैं तो हम कहते हैं learn कर रहे हैं हम, ठीक है। So you cannot learn, तुम नहीं सीख सकते हो these things, इन चीज़ों को, ठीक है। You cannot learn these things, इन चीज़ों को तुम नहीं सीख सकते हो without, के बिना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है अभ्यास, ठीक है। आपने मेरे चैनल का नाम ही देखा है ना, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, जितना हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम बार बार करते हैं, तो उस चीज़ को हम जल्दी से सीख जाते हैं। यू कैन नॉट लर्न दीज थिंग्स विदाउट प्रैक्टिस, तुम ये सब चीज़ें जो हैं नहीं सीख सकते हो बिना अभ्यास के, ठीक है। जब तक हम किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं सकते हैं उस चीज़ को। इस छोटे से पैराग्राफ में देखिए हमें कितनी अच्छी चीज़ जानने के लिए मिली है ना, कि हम चाहे अपनी लाइफ में कुछ ही करें, एक ये जो लेडी है सिर्फ अचार बना रही है, देखा जाए तो अचार में हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं डालना है, तेल डालना है, मसाले डालने हैं, मैंगो का बनाना है तो मैंगो डालने हैं, मिर्ची का बनाना है तो मिर्ची डालना है, बट नहीं, जब तक हम उसको अपने आप से करके नहीं देखते तब तक हमें वो याद नहीं आते हैं। सो आज जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो अब हमारी एक्टिविटी आ जाती है। मैं आपके साथ में हर वीडियो में कुछ वर्ड्स शेयर करूँगी और आपको उनसे जो है मुझे सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे क्या है आपकी भी हेल्प होगी, क्योंकि आपको बहुत सारे सेंटेंसेस वहाँ देखने को मिल जाएंगे और ये वर्ड्स आपको 100% याद हो जाएंगे, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, आप उनको कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने साथ में ट्राई की है कि एक ही वर्ड को मैंने कई कई अलग अलग सेंटेंसेज में लगाया और उसके बाद में फिर मैंने उनको याद करना शुरू करा तो वो मुझे याद आ जाते हैं। और यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है कि जो सेंटेंस है हमें पास्ट में ही बनाना है, हमें फ्यूचर में ही बनाना है या हमें प्रेजेंट में ही बनाना है। जिस भी टेंस के साथ में आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें भी आपको लगता है कि आप इजीली बना पा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब आप सीख करके बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सीखना नहीं है और सिर्फ ऐसे ही लिख देना है, आपको लगता है कि आप इसको सीख रहे हैं, आप इसको बना पा रहे हैं, तो आप उसको प्लीज़ यूज़ कीजिए इन तीन वर्ड्स को, जैसे कि पोलाइट मतलब नम्रतापूर्वक, वॉचिंग मीन्स देखना और प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास। इन तीनों वर्ड्स को आप यूज़ कीजिए और उनको सेंटेंस बनाइए, उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे क्या है आपकी भी हेल्प होगी, क्योंकि आपको जो भी कमेंट और भी जो लोगों ने कमेंट्स किए होंगे उनसे आपको हेल्प होगी बहुत ज़्यादा, और जो आपके कमेंट्स होंगे उनसे दूसरे लोगों को हेल्प होगी, तो इससे क्या होगा हम इंग्लिश जल्दी सीख जाएंगे। और ये जो वर्ड्स हैं ना, ये सिर्फ तीन वर्ड्स हैं ना, आप ये सोचिए कि एक दिन में अगर आप सिर्फ तीन वर्ड्स याद करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वोकैबुलरी कितनी अच्छी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद करें, क्योंकि वो हमें कभी याद नहीं होगी, एक साथ लंबा हम कभी भी याद नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे, बट ऐसे कि वो हमारे माइंड से कभी निकलेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर करिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ये बताइएगा कि आपको ये जो तरीका है ये कैसा लगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ एफर्ट डाला है तो वो आपके लिए काम का है या नहीं है। और वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक की जितनी भी मेरी वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आ रहे हैं उसके लिए मैं सच में आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और इस ये वाला वीडियो कैसा लगा